अब तक आप एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन देश में पहली बार एटीएम से दवाइयां भी ली जा सकेंगी। दिल्ली में टोडापुर की मोहल्ला क्लिनिक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऐसा एक एटीएम लगाया गया है। पर्ची दिखाओ, दवा ले जाओ। यह है दवा का एटीएम, यानी इसमें पैसे की जगह दवा निकलेगी। दिल्ली के टोडापुर के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर मरीज का पूरा हिसाब किताब कंप्यूटर में रखकर कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसको मशीन के सामने दिखाने पर दवाएं खुद बाहर आ जाती हैं। सो आई गिव ए कमांड एंड गेट ए प्रिंट एंड दिस इज द प्रिंट। ये बार कोड है निकालते जिससे मशीन पहचानेगी क्या देना है। द मशीन विल डिटेक्ट यू सी दिस पर्टिकुलर मार्कर, पेशेंट विल शो दिस मार्कर टू द रेड पॉइंट इन द मशीन, यू विल सी इट एंड देन द मशीन विल स्टार्ट एक्टिंग। नई शुरुआत आम आदमी को अच्छी तो लगती ही है, साथ में ये भरोसा भी देती है कि सिस्टम कुछ तो बदल रहा है। थोड़ा देखने में लगता है कि टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा बिल्टअप होता है कि हाँ भाई यहाँ दवाई अच्छी मिल जाएगी। अच्छी मिलती है, इसके लिए तो आते हैं, देखो कितने वो लगा हुआ है। इसमें ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है, डॉक्टर साहब देखते हैं उसके बाद जस्ट वो मैं खुद भी अपना दिखा के फिर दवाई ले सकती हूँ। ये मशीन एक बार में 60 से 70 दवाएं जैसे टेबलेट, कैप्सूल या सिरप अपने अंदर स्टोर कर सकती है। फिलहाल बहुत आम जरूरतों की दवाएं इस एटीएम में हैं। दिल्ली के कुल 105 मोहल्ला क्लिनिकों में से 9 में पहले चरण में ये मशीन लगाए जाने का प्रस्ताव है। अंदर हमारा आइडिया ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी अवेलेबल है सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे। उसको अभी ट्रायल रन के ऊपर लगाया गया, सफल होता है तो हम दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक सभी में लगाएंगे। अगर ये प्रयोग कामयाब हो जाता है तो इससे सरकार और आम लोगों दोनों को ही फायदा है, क्योंकि सरकार को स्टाफ कम लगाना पड़ेगा और आम लोगों को सरकारी क्लिनिक से दवा आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन अकमल शिबली और मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।